एक्सप्लेनेशंस पार्ट। तो ये जो फर्स्ट आपको डायलॉग दिख रहा है, फर्स्ट स्पीच दिख रही है, ये स्पीच है ड्यूक सीनियर की। रेफरेंस पहले ही देख सकते हो आप, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस प्ले एज यू लाइक इट। आपको भी ऐसे ही लिखना है, वहाँ एग्जाम में आपको लाइन्स देख के पता लगाना है पहले तो ये लाइन्स किस पोइम से है, किस प्ले से है, किस एसे से है। जब आपको पता लग जाए तो आपको यही लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस प्ले एज यू लाइक इट एंड आर द पार्ट ऑफ ड्यूक सीनियर्स फर्स्ट स्पीच। और ये लाइनें ड्यूक सीनियर की फर्स्ट स्पीच की पार्ट हैं। उसने कोई स्पीच दी थी, कोई एक लंबी सी बात कही थी, उसका पार्ट है ये। किसको दी थी? टू द लॉर्ड्स इन द फॉरेस्ट ऑफ एर्डन। उसके साथ जो लॉर्ड्स आए हुए थे, लॉर्ड्स यानी उसके जो दरबारी लोग जो उसके साथ आ गए थे उसका साथ देने के लिए मुसीबत में, उनको ये बात कही थी। आगे थोड़ा सा पढ़ लें। द बैनिस्ड ड्यूक विद ग्रेट रेजिलियंस एंड पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ हैज कन्वर्टेड द एडवर्स सर्कमस्टेंसेज इनटू फेवरेबल वंस बाय फाइंडिंग समथिंग गुड इन देम। तो वो ड्यूक था, वो बैनिश्ड था। बैनिश कौन होता है? जिसको देश से निकाल दिया जाए, पैरिया, निष्कासित। तो ड्यूक को उसके छोटे भाई ने धोखे से उसका सिंहासन हासिल करके इसको देश निकाल दे दिया था और ये अब फॉरेस्ट ऑफ एर्डन में था। विद ग्रेट रेजिलियंस एंड पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। अब ड्यूक का उस लाइफ के प्रति एटीट्यूड कैसा है? जब वो जंगल में रह रहा था, दुखी है क्या? वो परेशान है, टेंशन में है? नहीं है। वो इंजॉय कर रहा है उस लाइफ को, रेजिलियंस के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, और पॉजिटिव आउटलुक है उसका। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरा राज गया, दरबार गया, मैं किसी का नहीं रहा, ऐसा नहीं है। और उसने एडवर्स सर्कमस्टेंसेज को कन्वर्ट कर दिया है, हैज कन्वर्टेड द एडवर्स सर्कमस्टेंसेज। एडवर्स सर्कमस्टेंसेज होती है बुरी स्थितियां, और उसने एडवर्स सर्कमस्टेंसेज को कन्वर्ट कर दिया है, हैज कन्वर्टेड द एडवर्स सर्कमस्टेंसेज। एडवर्स सर्कमस्टेंसेज होती है बुरी स्थितियां, उसके लिए बुरी स्थितियां ही थी, वो जंगल में रह रहा था, तो उसने उन परिस्थितियों को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने का मतलब बदल दिया, किसमें? इन टू फेवरेबल वंस, फेवरेबल में, यानी जो एडवर्स कंडीशंस थी उसको उसने फेवरेबल बना दिया, यानी उसने अपने अनुकूल बना दिया। बाय फाइंडिंग समथिंग गुड इन देम, और किस तरह से? उन चीज़ों में भी अच्छाई ढूंढ करके, कि जंगल में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो वहाँ नहीं अवेलेबल थी। तो देखो, हमारे सब हम सभी का एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए, हम जिस भी परिस्थिति में ना, हमें हर परिस्थिति में क्या ढूंढना चाहिए? अच्छा ढूंढना चाहिए, हर चीज़ अच्छा हुआ है तब हम खुश रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जीवन में खुश रहना ही होता है मुख्यतः, हम अपने आप को संतुष्ट रखें और खुश रखें। तो कभी कभी हमारे सामने ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को तो समझाना है, आखिर मन तो एक बच्चा होता है, तो उसको जैसे हम समझाएंगे वैसे वो समझ जाएगा। तो मन को बार बार हमें यही समझाना होता है कि जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, इस चीज़ में भी अच्छा ही है। आप कभी फेल हो जाओ मान लो, तो फेल होने से आपको निराशा तो लगेगी, लोग भी आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि फेल हो गया तो कोई बात नहीं, अभी क्या मेरे पास अवसरों की कमी है? एक साल बाद फिर से एग्जाम है, मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा और सबकी बोलती बंद कर दूंगा, और हो सकता है ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ हो, क्योंकि अगर मैं थोड़े नंबरों से पास भी हो ही जाता तो मेरे अंदर ये इतनी हिम्मत नहीं आती, मेरे अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं पैदा होती। अब फेल होने से आपको क्या फील हुआ? फील होने से आपने और अच्छे से पढ़ाई की, आपने फिर ठान लिया कि अब तो मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। तो वो कई बार वो जो विपदाएं आती हैं ना लाइफ में, वो कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आती हैं, वरना हमारे अंदर का जो वो इंसान, मजबूत इंसान फिर प्रकट ही नहीं होता अगर समस्याएं ना आए तो। तो अब अपने पहले पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। हैथ नॉट ओल्ड कस्टम, शुरू में आ जाओ। हैथ नॉट ओल्ड कस्टम मेड दिस लाइफ मोर स्वीट देन दैट ऑफ पॉइंटेड पॉम्प। अब वो यहाँ कह रहा है जंगल में आकर के कि ये जो मेरी जंगल की लाइफ है इसके साथ अब मैं फेमिलियर हो गया हूँ, काफ़ी टाइम से वो जंगल में रह रहा है, इसलिए इसको ओल्ड कस्टम बोला है। यहाँ पे ओल्ड कस्टम का मतलब है लॉन्ग फेमिलियरिटी विद द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट। ये जो मेरी जंगल के साथ की जिंदगी है, मेड दिस लाइफ मोर स्वीट देन दैट ऑफ पेंटेड पॉम्प। पेंटेड पॉम्प उसने उस लाइफ को बोला है जो कोर्ट की लाइफ थी। पॉम्प का मतलब होता है दिखावा, आडंबर। तो कोर्ट की लाइफ दिखावे से परिपूर्ण होती है, हर कोई ऊपर से तो खुशामद करता है, इज्जत करता है, लेकिन अंदर पता नहीं उनके क्या होता है, सब चापलूस होते हैं ज़्यादा। तो वो ये कोर्ट की लाइफ की तुलना इस फॉरेस्ट की लाइफ से कर रहा है। वो ये कह रहा है क्वेश्चन से, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये जो जिंदगी है मेरी, जंगल की जिंदगी, क्या उस आडंबरपूर्ण जिंदगी से बेहतर नहीं है क्या? यानी है, रेटोरिकल क्वेश्चन होता है ये, जिसके आंसर की एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते हैं। कई बार हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें पता होता है। तो वो यही कह रहा है कि क्या ये जिंदगी अच्छी नहीं है उस दिखावे में भरी जिंदगी से? आर नॉट दीज वुड्स मोर फ्री फ्रॉम पेरिल देन द एनवियस कोर्ट। क्या ये जंगल पेरिल से मुक्त नहीं है? पेरिल का मतलब खतरे से। क्या ये जंगल खतरे से मुक्त नहीं है एनवियस कोर्ट की बजाय? अब कोर्ट को एक और वर्ड देता है, वो एनवियस बोलता है। एनवियस कौन होता है? ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करता है। अब वो ये कहना चाहता है कि कोर्ट में तो सभी ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं, यहाँ पे जंगल में वो बात नहीं है, तो जंगल क्या उससे कम खतरनाक नहीं है क्या? यानी जंगल उससे कम खतरनाक लगता है उसको। वो ये कहना चाह रहा है कि उस एनवियस कोर्ट से तो बेटर ये जंगल की लाइफ है, ये कम खतरनाक है उससे, क्योंकि वहाँ जलन से भरे हुए लोग बैठे हैं,
तो इसको तो वो सामना भी तो करना पड़ा था ना, इसको अपने छोटे भाई से ही विश्वासघात का सामना करना पड़ा, छोटे भाई ने उसका सिंहासन ले लिया था, तब वो ये बात कह रहा है। हेयर फील वी नॉट द पेनल्टी ऑफ एडम द सीजन्स डिफरेंस एज द आईसी फैंग एंड कर्लिश शाइडिंग ऑफ द विंटर्स विंड। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको, हेयर फील वी नॉट द पेनल्टी ऑफ एडम। तो यहां हम एडम की पेनल्टी को भुगत रहे हैं। अब एडम की पेनल्टी क्या है, ये जिक्र बार बार आता है लिटरेचर में इंग्लिश में, एडम का, एडम और ईव का। मैंने कई बार आपको बताया भी है, एडम का सिन कौन सा था जिसकी सजा आज तक हम भुगत रहे हैं बाइबल के अनुसार, क्रिश्चियनिटी के अनुसार। हाँ, ये पुरानी एक कहानी है ना एडम और ईव की, कि एडम और ईव पहले रहते थे स्वर्ग में, वहाँ पे सब आजादी थी, उनको हर तरह का सुख था, लेकिन एक मनाही थी कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसका फ्रूट तुम्हें नहीं खाना है। लेकिन ईव जो एडम की पत्नी होती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो उस फ्रूट को खा लेती है, और उस फ्रूट को खाने से क्या होता है, उनको सजा मिलती है स्वर्ग से निकाल जाने की और पृथ्वी पर आने की। पृथ्वी में अब एक सजा और मिलती है उनको कि तुम कष्ट भी भोगोगे, तुम मरोगे भी। अब पहले वो अमर थे, अब उनको ये कष्ट, ये सजा मिल गई कि तुम अब मरणशील हो जाओगे, मॉर्टल हो गए, लेकिन तुम बच्चे पैदा करोगे और अपने वंश को आगे बढ़ाओगे। तुम मरोगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे। तो ईसाई धर्म में ये माना जाता है कि एडम की एक गलती की वजह से हम अभी तक कष्ट भुगत रहे हैं धरती पे, तरह तरह की हमें दर्द होते हैं, तरह तरह की हमें मृत्युओं का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ उस एडम के सिन की बात की गई है। वो कहता है यहाँ हम एडम का जो सिन था, जो पेनल्टी एडम को मिली, एडम को जो जुर्माना था देना था, जो सजा के रूप में, वो हम फील नहीं करते हैं क्या? द सीजन डिफरेंस। तो यहाँ कौन कौन से हमें दर्द झेलने पड़ते हैं? सीजन्स डिफरेंस, तरह तरह की ऋतुओं का सामना करना पड़ता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात। एज द आईसी फैंग्स, ठंडी हवाओं को बोला गया है सांप के डंक के समान। जब ठंडी हवा चलती है ना, तो वो ऐसे हमारे हमारे शरीर को ऐसे लगती है जैसे कोई सांप डस रहा हो। फैंग होते हैं सांप के विषैले दांत, द आईसी फैंग्स। आईसी फैंग्स यानी ठंडे फैंग, ठंडे फैंग यानी ठंडी हवाओं की वो डंक जो लगते हैं। एंड कर्लिश शाइडिंग ऑफ द विंटर्स विंड, तो ठंडी हवाओं का एक तो डंक लगता है और दूसरा कर्लिश शाइडिंग लगती है। कर्लिश शाइडिंग का मतलब है कठोर डांट, शाइडिंग होती है डांट, जो हमें डांट पड़ती है बड़ों से या साथियों से जो हमें मिसबिहेव करते हैं। तो वो ठंडी हवाओं के एक तो डंक लगते हैं और एक उनकी हमें हार्श शाइडिंग का सामना करना पड़ता है, उनके कठोर, उनकी डांट का मान लो, या उनकी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऑफ द विंटर्स विंड विच वैन इट बाइट्स एंड ब्लोज अपॉन माई बॉडी इवन टिल आई श्रिंक विद कोल्ड, और वो ठंडी हवा मुझे तब तक काटती है, बाइट करती है और ब्लो करती है, बहती रहती है, जब तक कि मैं एकदम सिकुड़ नहीं जाता कोल्ड में। तो ड्यूक यहाँ जंगल के कष्टों की बात कर रहा है कि जंगल में इतने कष्ट झेलने को मिलते हैं, जो एडम की पेनल्टी थी वो हमें यहाँ जंगल में आकर के सामना करना पड़ता है, उसका हमें ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी आई स्माइल एंड से देर इज नो फ्लैटरी, परंतु मुझे फिर भी संतोष है। यहाँ किस बात का संतोष है? दिस इज नो फ्लैटरी, कम से कम यहाँ चापलूसी तो नहीं है, जो जैसा है वैसा ही तो दिखता है, तो उसको इस बात की खुशी है कि फ्लैटरी नहीं है यहाँ। दीज आर काउंसलर्स दैट फीलिंगली परसुएड मी व्हाट आई एम, तो ये वो सारे काउंसलर हैं, ये जंगल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां ना, ये उन दरबारियों की तरह हैं, मेरे उन सलाहकारों की तरह हैं। काउंसलर्स होते हैं सलाहकार, जो मुझे वही बताते हैं जैसा मैं हूँ। फीलिंगली परसुएड मी व्हाट आई एम, तो वो मुझे वही फील करवाते हैं जैसा मैं हूँ, यानी मेरे को कोई झूठा नहीं बताता, मेरी कोई झूठी तारीफ नहीं करता है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, तो लास्ट में वो एक बात कहता है कि एडवर्सिटी के यूजेज स्वीट होते हैं। एडवर्सिटी का मतलब बुरा समय, परेशानियां, दिक्कतें, तो इनके जो फल आते हैं ना, जो वो कैसे आते हैं, वो स्वीट। जब भी आपको कभी कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ता है, आप और निखरते हो, आप तब तक नहीं निखरोगे तब तक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी जब तक आप किसी न किसी कठिनाई में नहीं पड़ोगे। और आप किसी भी बड़े आदमी को देख लेना, उसकी लाइफ प्रॉब्लम फ्री कभी नहीं रही। जब किसी आदमी के साथ प्रॉब्लम आती है ना, उससे निपट गई तो वो बड़ा बनता है फिर वो, और उससे निपट नहीं पाता तो फिर नीचे गिर जाता है। तो एडवर्सिटी को हमेशा एक यूज़ की तरह देखना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ओके, तो ये हम पढ़ रहे थे इसका रेफरेंस, द बैनिस्ड ड्यूक, यहाँ तक पढ़ लिया था ना ये। फेवरेबल बाय फाइंडिंग समथिंग गुड इन देम ही निगेट्स द पेसिमिस्टिक आउटलुक एंड डज नॉट मोर्न द लॉस ऑफ हिज किंगडम, तो वो पेसिमिस्टिक आउटलुक को निगेट कर देता है। निगेट करने का मतलब मना कर देता है स्वीकार करने से। किसको स्वीकार करने से? पेसिमिस्टिक आउटलुक को, यानी एक ऐसा दृष्टिकोण जो निराशावादी है, यानी वो निराश होने से इनकार कर देता है, जंगल में आकर मैं निराश नहीं होऊंगा। एंड डज नॉट मॉर्न द लॉस ऑफ हिज किंगडम, और अपने किंगडम की लॉस को मॉर्न नहीं करता है, वो किंगडम के खोने को मॉर्न नहीं करता है। मॉर्न करने का मतलब शोक नहीं मनाता है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और जो उसके साथ विश्वासघात हुआ है उस पर भी वो शोक नहीं मनाता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं ट्रस्ट का ब्रीच हो जाना, ट्रस्ट का टूट जाना, विश्वासघात हो जाना।
ही हैज़ ए वेरी एडजस्टिंग नेचर बिकॉज ऑफ विच ही रिमेन्स कंटेंटेड वेर एवर ही गोज. उसका नेचर बड़ा एडजस्टिंग है, एडजस्टिंग नेचर होता है, जो जहाँ मिले वहीं एडजस्ट हो जाए, हर जगह समायोजन करने वाला है, और इसलिए वो कंटेंटेड भी रहता है. कंटेंटेड रहने का मतलब संतुष्ट रहता है हर जगह, वेर एवर ही गोज, जहाँ भी वो जाता है. तो देखो जंगल में आकर एक राजा ऐसी बात कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात कर रहा है ना, कि कितने कितने सुख भोगे हैं जंगल में, कोर्ट में. जंगल में आकर वो परेशान है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को कहता है कि नहीं, ये जगह उससे कहीं अच्छी है. तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं होती जब कोई ना कोई अच्छाई किसी चीज़ में ना चुकी हो. देखने की चीज़, देखने की नज़रें होनी चाहिए, देखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए. हर जगह की अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ हैं. कंटेक्स्ट पढ़ लेते हैं. ड्यूक सीनियर आस्क्ड हिज लॉर्ड्स इफ द लॉन्ग फैमिलियरिटी विद दैट काइंड ऑफ लाइफ इन द फॉरेस्ट इज नॉट स्वीटर देन द आर्टिफिशियल ग्लैमर ऑफ द कोर्टली लाइफ. तो ड्यूक सीनियर अपने लॉर्ड से पूछता है कि ये जो लॉन्ग फैमिलियरिटी है, ये जो लंबा समय हमने बिताया है, इस तरह का जीवन जंगल में बिताया है, क्या वो कोर्ट के आर्टिफिशियल ग्लैमर से स्वीट नहीं है? कोर्ट की जो कृत्रिम वैभव है, जो झूठा वैभव है, झूठी जो शान है, उससे बेहतर नहीं है क्या ये? ही गोज ऑन टू आस्क, वो आगे और पूछता है, इफ़ दोज वुड्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द डेंजर्स एंड इंट्रीग्स ऑफ द कोर्ट, कि यहाँ के जो जंगल हैं वो कोर्ट के जो इंट्रीग्स हैं, कोर्ट के जो डेंजर हैं, उनसे क्या फ्री नहीं है? क्योंकि कोर्ट में तो हमें बहुत खतरा था, कोर्ट में तो जान का भी खतरा था, कोई मार भी सकता था, अभी तो वो भाग गया, चलो वहाँ से. हेयर दे फील द हार्डशिप ड्यू टू द चेंजेस ऑफ सीजन, यहाँ पर वो हार्डशिप का सामना तो कर रहे हैं, किसकी वजह से? चेंजेस ऑफ सीजन की वजह से, यानी मौसमों के बदलने से. विच देयर एंसेस्टर एडम फेल्ट फॉर हिज डिसओबीडियंस, उसके पूर्वज एडम ने भी तो ये फील किया था डिसओबीडियंस के कारण. एडम ने एक डिसओबीडियंस की थी ना, कौन सी डिसओबीडियंस की थी? अवज्ञा की थी, अवज्ञा कौन सी? वही फ्रूट खाने वाली. तो वो कहता वही तो हम भुगत रहे हैं, एडम ने भी भुगती वो. Disobedience to the commands of God, the changing season and the cold sting of the winds of winter make him shrink with cold. तो जब season change होता है और cold हवाएं चलती हैं तो वो उसको मजबूर कर देती है कि वो shrink हो जाए, सिकुड़ जाए, सिकोड़ दे अपने आप को. But he feels happy to note that there are no flatterers like the courtiers. परंतु इसको इस बात से खुशी है कि कम से कम ये जो मौसम हैं, ऋतुएं हैं, हवाएं हैं, कम से कम दरबारियों की इतने चापलूस तो नहीं है. वो वैसे ही बिहेव करती जैसी वो हैं, कम से कम ऊपर से अच्छी और अंदर से ख़राब तो नहीं है. अब कोल्ड विंड हमें कोल्ड ही लगती है क्योंकि वो कोल्ड ही है, उसका जैसा नेचर है वैसा ही वो शो कर रही है. वो ये कहना चाह रहा है कि कोल्ड में तो लोग ऊपर से कैसे दिखते हैं, अंदर से कैसे होते हैं. दे आर द ट्रू काउंसलर्स, तो वो ही मेरे सच्चे सलाहकार हैं. ये जो हवाएं और ये विपदाएं हैं ना जंगल की, ये मेरे सच्चे काउंसलर हैं. दैट मेक हिम रियलाइज थ्रू सेंसेस हिज रियल स्टेट, क्योंकि वो उनको उनकी सही स्थिति को देख सकता है अपने सेंसेस के थ्रू, अपने आंखों के थ्रू, कानों के थ्रू, त्वचा के थ्रू, उनका सही रूप तो कम से कम जान सकता है. तो इसके कमेंट देख लो. द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑन द फेक एंड स्परियस लाइफ ऑफ द कोर्ट इज मेड, तो इस सीन में अंदर, इस स्पीच के अंदर कोर्ट की जो फेक और स्परियस लाइफ है, फेक तो आपको पता ही है नकली, और स्परियस का मतलब धोखेबाज जो लाइफ है कोर्ट की, उस पर क्रिटिसिज्म किया गया है, उसकी आलोचना की गई है. ड्यूक सीनियर्स पॉजिटिव एनर्जी एंड एडजस्टिंग नेचर कम्स टू द फोर, ड्यूक सीनियर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसकी सकारात्मकता है और उसका समायोजन करने वाला जो नेचर है वो सामने आता है. फोर का मतलब सामने आना. He regards the hardship of the forest better than the honey talks of the counselors. वो forest की hardship को better मानता है बजाय कि counselors की honey talks के. Honey talks कौन सी होती हैं? शहद की लगी हुई बातें, मिश्री में या चाशनी से लिपटी चिकनी चुपड़ी बातें, उनको बोलते हैं honey talks of the counselors. तो वो कहता है कि counselors की honey talks से तो forest की hardship कहीं ज़्यादा अच्छी है. His capability to find good even in adversity will certainly prove to be strength in the course of the play. तो ये प्ले का शुरुआती सीन है, तो हमें शुरुआत में पता लग जाता है कि ड्यूक सीनियर कैसा आदमी है. वो शुरू से ही एडवर्सिटी के प्रति स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाता है, तो हमें पता लगने लगता है, अंदाजा हो जाता है कि प्ले में आगे उसका नेचर कैसा होने वाला है. तो ये पॉजिटिव पर्सन है ना ड्यूक सीनियर. अब अगली जो एक्सप्लेनेशन है ना हमारी, ये इसी का ही पार्ट है, इसी स्पीच का ही. इसमें वो आगे बोलता है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी. ये तो पिछली में था ही कि एडवर्सिटी के यूजेज बड़े स्वीट हैं. ये लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है लिटरेचर में, इसको कोट भी करते हैं कई बार. आपके भी सामने जब कोई दिक्कत आए तो आप, जैसे जब कोई बीमार हो गया, परेशानी में है, तो वो जब वो ठीक हो जाता है ना तो उसकी बॉडी और मजबूत होकर उभरती है. जब आप एक बार बीमार हो जाते हो दोबारा नहीं उठते हो फिर. अब ये बीमार अब नहीं होगी, एक सीज़न के लिए सेफ होगी. अब अगले सीज़न में इसको जुकाम वगैरह हो सकता है, अब नहीं होगा क्योंकि अब इसकी बॉडी में वो पावर आ गई है कि उस वायरस को उसने मार दिया है. अब वो वायरस दोबारा हमला करेगा ना तो ये कुछ नहीं होगा. तो जो भी बुरी कंडीशन आती है ना उसे जब हम उभर जाते हैं तो और मजबूत होकर के हम उभरते हैं. इस लाइन का मतलब ये है. अब आगे वो एडवर्सिटी की तुलना कर रहा है एक टॉड से, विच लाइक द टॉड. टॉड एक मेंढक जैसा जानवर होता है जो बड़ा जहरीला होता है, खतरनाक होता है, अगली एंड वेनमस.
वो बड़ा ही अगली होता है देखने में, और वेनमस होता है। वेनमस का मतलब जहरीला, वेनम से बना है, वेनम होता है जहर, तो वो वेनमस है। वियर्स येट ए प्रीशियस जूल इन हिज हेड, अब भले ही वो कितना ही जहरीला हो और कितना ही अगली हो, लेकिन उसके सिर में एक बहुत ही कीमती जूल छुपा होता है, रत्न छुपा होता है। तो वो कहता है एडवर्सिटी भी ऐसी ही है, वो देखने में बहुत हमें खतरनाक लगती है, जहरीली लगती है, लेकिन उसके अंदर भी एक जूल छुपा होता है, क्योंकि एडवर्सिटी का मुकाबला करके हम उस जूल को हासिल कर सकते हैं। एंड दिस आवर लाइफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम पब्लिक हॉन्ट, अब वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है कि जो हमारी लाइफ है ना पब्लिक हॉन्ट से एग्जेम्प्ट है। पब्लिक हॉन्ट का मतलब है कोर्ट के अंदर जब राजा होता है तो उसको तरह तरह के मुकदमे सुनने पड़ते हैं, लोगों की शिकायतें सुनने को मिलती है, उसको कहते हैं पब्लिक हॉन्ट, लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। हॉन्ट को कहते हैं कंटिन्यूसली किसी का पीछा करना, शिकायतें सुननी पड़ती, लोगों की परेशानियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, फाइंड टंग्स इन ट्रीज, यहाँ पेड़ों में हमें जीभें मिलती हैं। टंग का मतलब होता है जीभ, यानी हम पेड़ों से बात करते हैं, पेड़ हमसे बात करते हैं जंगल में। बुक्स इन रनिंग ब्रुक्स, और जो बहती नदियाँ हैं उनको हम पढ़ते हैं, यानी उनसे हमें नॉलेज मिलता है। यहाँ सरमन्स इन स्टोन्स, पत्थरों से हमें उपदेश मिलते हैं, सरमन मिलते हैं। एंड गुड इन एवरीथिंग, और हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ही है, जन सीखता हूँ और हर चीज़ में यहाँ अच्छाई ही अच्छाई है। रेफरेंस वही आएगा इसका, रेफरेंस का मतलब आपको ये बताना है कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, कौन से एक्ट में, कौन से सीन में, और कौन बोलने वाला कौन है। तो यहाँ शेक्सपियर से लिया गया है एज यू लाइक इट से, और ये स्पोकन की गई हैं बाय ड्यूक सीनियर, ड्यूक सीनियर ने बोला है, और किसको बोला है, टू हिज लॉर्ड्स इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन। अगर आपको पता हो कि किस एक्ट और किस सीन में है तो वो भी लिख सकते हो, पता नहीं हो तो गलत नहीं लिखना है, फिर छोड़ सकते हो आप, लिखो तो सही लिखो, गलत नहीं लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे आप, किस संदर्भ में ये बात बोली गई है, तो आप ये बोलोगे वो जंगल में आया हुआ है और इससे पहले वो दरबार में था, उसको उसके भाई ने निकाल दिया था, अब जंगल में आकर के भी वो अपने आप को सांत्वना दे रहा है, उसका लुक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ये चीज़ कंटेक्स्ट में बता देते हैं। दीज लाइंस फॉर्म ए पार्ट ऑफ ड्यूक सीनियर्स ओपनिंग स्पीच इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन, ही इज हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्सिटीज, तो इस स्पीच के अंदर वो एडवर्सिटीज के बेनिफिट बता रहा है। ही रिगार्ड्स द हार्डशिप्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड दैट ऑफ द सीजंस एज बेटर देन द इनसिंसियर काउंसलर एट कोर्ट, तो वो फॉरेस्ट की हार्डशिप्स को और ऋतुओं को, ऋतुओं की हार्डशिप्स को वो काउंसिलर्स की इनसिंसियर जो उनकी एटीट्यूड है उससे बेहतर बताता है, जो उसके सलाहकार है उससे बेहतर बताता है वो। पढ़ लेते हैं फिर भी, ड्यूक सीनियर सेज दैट दे फील द हार्डशिप ड्यू टू द चेंज ऑफ सीजंस विच देयर एंसेस्टर एडम फेल्ट फॉर हिज डिसोबीडियंस टू द कमांड्स ऑफ गॉड। तो ड्यूक सीनियर यहाँ कहता है कि वो इस हार्डशिप्स को इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वज एडम ने गलती कर दी थी, एक अवज्ञा कर दी थी भगवान की कमांड्स को उल्लंघन करके। द चेंजिंग सीजन्स एंड द कोल्ड स्ट्रिंग्स ऑफ द विंड्स ऑफ विंटर मेक हिम श्रिंक विद कोल्ड, तो ये जो बदलती हुई ऋतुएं हैं और सर्दी है उसको सिकुड़ने पर मजबूर कर रही है। बट ही फील्स हैप्पी टू नोट, परंतु वो फिर भी इस बात से हैप्पी है दैट दे आर नो फ्लैटरर्स अनलाइक द कल्टियर्स, कि वो कल्टियर्स की तरह फ्लैटरर नहीं है। फ्लैटरर यानी, हाँ एक और वर्ड था ना इसके लिए, वोकैबुलरी में किया था हमने, साइकोफेंट्स। दे आर द ट्रू काउंसलर्स दैट मेक हिम रियलाइज थ्रू हिज सेंसेस हिज रियल स्टेट, तो वो मेरे सच्चे सलाहकार हैं क्योंकि वो मुझे मेरे सेंसेस के थ्रू मेरी सही स्थिति तो बताते हैं, क्योंकि ठंडी हवा जब चलती है तो मेरे सेंसेस मुझे बताते हैं कि मुझे ठंड लग रही है, तो ठंडी हवा का ही एक्ट करती है, ठंडी हवा गर्म हवा बनकर नहीं आती है वो ठंड दे जाए, ऐसा नहीं है। मिस फॉर्चून्स और सफरिंग हैव देयर ओन बेनिफिट्स, तो दुर्भाग्य का और पीड़ा भोगने का अपना एक अलग बेनिफिट है, यानी मुश्किल समय का एक अलग बेनिफिट होता है। विच लाइक ए टॉड दो अगली एंड पॉइजनस हैज ए प्रीशियस जूल इन हिज हेड, तो एडवर्सिटी की तुलना किससे की गई है, टॉड से की गई है, और टॉड क्योंकि जहरीला तो होता है लेकिन उसके पास एक जूल भी होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि एडवर्सिटी से हमें कष्ट ही कष्ट मिलता हो, उससे हमें कुछ बहुमूल्य चीज़ भी मिल सकती है जूल की तरह। देयर लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम द क्राउड्स फाइंड्स मेनी थिंग्स टू रीड इन ट्रीज, अब उनकी लाइफ यहाँ भीड़ से मुक्त है, क्राउड से मुक्त है, उसने कहा था ना पब्लिक हॉन्ट का सामना करना पड़ता है कोर्ट में, आसपास लोग ही लोग रहते हैं हमेशा, तो यहाँ वो अकेला है, एंजॉय कर रहा है अपनी कंपनी को, यहाँ वो स्ट्रीम से विजडम लेता है, स्ट्रीम को पढ़ता है, सरमंस इन द स्टोन, समथिंग गुड इन एवरीथिंग, और हर जगह अच्छाई है। इफ यू आर गिवन ए चांस टू चेंज दिस लाइफ इन रिटर्न फॉर समथिंग वैल्यूएबल ही विल नॉट डू इट, आगे वो ये भी कहता है कि अगर उसको ये कहा जाए कि इस लाइफ के बदले कोई और लाइफ ले लें या चेंज कर लें, एक्सचेंज कर लें, तो मैं नहीं करूँगा।